मुंबई कांदिवली पश्चिम के कंट्री क्लब ग्राउंड में रविवार को हुला हुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई कोनों से आए बच्चों ने भाग लिया। यूथ जोन डांस एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहभाग लेने आए छोटी और कम उम्र के बच्चे आकर्षण का केंद्र बने। चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और सुप्रीम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी यूथ जोन डांस एकेडमी के 84 बच्चों ने मुंबई के कंट्री क्लब ग्राउंड में एक साथ 3 मिनट में डांस करने का कारनामा अपने नाम किया। इस एकेडमी के फाउंडर और CEO चैंपियन और सुप्रीम रिकॉर्ड डॉक्टर पत्ता भी राम ने हुला हुक फेस्टिवल के बच्चों की काफी प्रशंसा की। टुडे इट्स अ वंडरफुल डे, द यूथ जोन डांस एकेडमी मुंबई सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, यूनिक इन इंडिया एक्चुअली। द स्टूडेंट्स ऑफ यूथ जोन एकेडमी ऑल टुगेदर 84 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया इन 3 मिनट्स। And that too actually, the students, a group of students consisting of all age groups, particularly I have seen the students, youngest students actually. So youngest students and other students consisting of 84 students performing at once together itself is a wonderful record. That is first thing. And the second thing is, the topic they have chosen is actually, they have integrated different dance forms together and they performed it in 3 minutes. It's a very less time. When we declare it as a record, we have to see the superlatives, the least, the most, all these things. इस कार्यक्रम में सहभाग लेने वाले बच्चों के माता पिता ने भी काफी उत्साह दिखाया। बच्चों द्वारा की जा रही विभिन्न प्रकार की नृत्य शैली का लोगों ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ लुत्फ उठाया। मैं फंक्शन में आया हूँ, शिल्पा गणात्रा का हुला हुक प्रोग्राम। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, मैंने फर्स्ट टाइम इतने छोटे बच्चों को इस तरह से ये एक्टिविटी करते देखा। रियली ऑल क्रेडिट गोज़ टू शिल्पा जी। एंड रियली दो ढाई साल के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो बढ़ाते हैं शिल्पा जी, रियली इट्स अमेजिंग। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू शिल्पा जी के ऐसे एक्टिविटी करते रहे ताकि सोसाइटी में बच्चों को और ग्रोन अप होने को चांस मिले। थैंक यू सो मच। इट्स अ यूनिक रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम आई सीन इट। अ 2.5 years kid, 3 years kids, they are performing 3 minutes hula hoop. I never seen. All the best to Shilpa, keep it up. We'll always join with you. इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई गुजराती नाटक तथा टीवी सीरियल की अभिनेत्री मनीषा पुरोहित ने इस फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया और इस कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले बच्चों की जमकर तारीफ भी की। मैं यहाँ पर आई हूँ ये यूथ जोन फेस्टिवल में, जो शिल्पा गणात्रा ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन वो उसकी ऑनर भी है। और यहाँ पे जो ये हुला हुप डांस जो था, उसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 3 मिनट में हुला हुप डांस किया है इन्हें, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हैं। सच में मुझे तो यहाँ आके ऐसा लगा कि मैं खुद अब एक बच्ची बन जाऊँ और यहाँ यूथ जोन फेस्टिवल में खुद पार्ट बन लूँ एक बच्ची बन के। Hula hoop dance, you want to see? Come with me. वही बच्चों को एक नई पहचान दिलाने वाली और बच्चों के सपनों में उड़ान भरने वाली यूथ जोन डांस एकेडमी की मालकिन और हुला हुक फेस्टिवल की कर्ता धर्ता शिल्पा गणात्रा ने फेस्टिवल में आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। That we did the world records and it's coming in Champion Book of World Record and Supreme Book of World Record. Thank you Dharmesh Mehta and Manisha Purohit, she's going to come now. And thank you so much, thank you everyone who has supported me, and thank you so much all media people who have supported me and make this event successful. Thank you so much. इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के सपनों को साकार करने की एक नई ताकत और ऊर्जा भरने का काम करते ही है, साथ ही बच्चों के अंदर छुपी हुई झिझक को निकालने में मदद भी करते हैं, जो काफी सराहनीय है। हमारी न्यूज स्टॉक लाइव की टीम की तरफ से शिल्पा गणात्रा और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि वह आगे भी ऐसे सराहनीय कार्य करते रहें और समाज में अपना अनमोल योगदान बरकरार रखें।